नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा, एसके लाइफ में आप सबका स्वागत है। अब नजर डालते हैं मुख्य खबरों पे। जंगलों को बंद करने के लिए पर्यावरण प्रेमी संस्था के लोगों का विरोध प्रदर्शन। ड्यूटी पर तैनात एक महिला कांस्टेबल की मृत्यु। झारखंड से छिनताई हुए 54 लाख रुपए में से 35 लाख रुपए जलपाईगुड़ी जिला से बरामद, आरोपी फरार। भयानक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोग सहित एक गाड़ी चालक की मौत। बाकी खबरें विस्तार से। वन प्राणी के प्रजनन के समय जंगलों को बंद रखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ जंगलों को पर्यटक के लिए खोल कर रखा गया है। इसी को लेकर पर्यटन प्रेमी संस्था के लोगों ने जंगल को बंद रखने की मांग पर जलपाईगुड़ी वन विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि 16 जून से 15 सितंबर तक प्रतिवर्ष सभी जंगल वन प्राणी प्रजनन के लिए बंद रखा जाता है, लेकिन इस बार चापड़ामाड़ी पानझोड़ा व मेदला सहित विभिन्न जंगल खुला हुआ है। पर्यटकों की संख्या इस बार काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लेकर वन विभाग ने अभी भी जंगलों को बंद करने का निर्देश नहीं दिया है। इसलिए पर्यावरण प्रेमी संस्था के सदस्यों ने जंगलों को जल्द से जल्द बंद करने की मांग को लेकर जलपाईगुड़ी वन विभाग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पर्यटक व्यवसायी के तरफ से पर्यटकों को देखते हुए जंगल को अभी कुछ दिन और खोले रखने के लिए वन विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया। पर्यावरण प्रेमी संस्था के सदस्य विश्वजीत दाव चौधरी ने बताया है कि वर्षा के समय में जंगल में पर्यटकों के प्रवेश पर पाबंदी होती है, लेकिन वन विभाग ने अभी तक इस तरीके का निर्देश जारी नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर जंगलों को जल्द से जल्द बंद नहीं किया गया तो वे लोग बेहद आंदोलन शुरू करेंगे। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে এই সময়টা হচ্ছে প্রজননের টাইম, এই যে পশু পাখি তাদের তারা অবাধ নিজেদের মধ্যে মেটিংয়ের টাইম হচ্ছে এই সময়টা। তারা যদি এখানে এখন যদি কোনো ইয়েরা ঢোকে আর কি, টুরিস্টরা ঢোকে, তাদের মেটিংয়ের খুব অসুবিধা হয়। তার ফলে আমাদের যে উত্তরবঙ্গের যে বনাঞ্চল, তার যে বায়োডাইভার্সিটি, তার উপর ভীষণভাবে আঘাত আসবে। ड्यूटी पर तैनात रहने के দৌরান এক মহিলা কনস্টেবল কি মৃত্যু। মৃতক কা নাম রবেতা মজুমদার বতায়া গয়া হ্যায়। वह बेलाकोवा की निवासी थी। चिकित्सकों के अनुसार बताया गया है कि उसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हुई। मिली जानकारी के अनुसार सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में एक गृहवधु की मृत्यु की घटना को लेकर अस्पताल परिसर में उपस्थित लोग पुलिस के ऊपर गुस्सा दिखाने लगे। उसी समय देवती मजुमदार भी उपस्थित थी। कुछ समय बाद वह वापस अस्पताल से थाने चली आई। फिर कुछ समय बाद वह अपनी ड्यूटी पर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पहुंची। वहीं वह अस्वस्थ हो गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ समय इलाज चलने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार वाले ने इस घटना की छानबीन की मांग की है। झारखंड के बैंक से 54 लाख रुपए की छिनताई होने के घटना में जलपाईगुड़ी जिला से 35 लाख रुपए बरामद किया गया। आरोपी युवक फरार है। वह राजगंज के ईरानी बस्ती का निवासी बताया गया था। पुलिस उसकी तलाशी कर रही है। बताया गया है कि झारखंड से पलाऊ मोड़ जिला मेदनीगढ़ के ICICI बैंक के कर्मी 54 लाख रुपए लेकर ATM में डालने के लिए निकले थे, तभी बैंक के सामने दो युवा बाइक से आकर पैसा लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही झारखंड पुलिस ने CCTV फुटेज में से उस युवक की पहचान की और मामले की खबर राजगंज पुलिस को दे दी, जिसके बाद इसकी सहायता से झांगीपाड़ा के निवासी वीरेन ग्वाल के घर से 35 लाख रुपए बरामद किया गया। राजगंज के DSP प्रेमनाथ कुमार ने बताया है कि आरोपी की खोज जारी है, आरोपी अभी तक फरार है। यात्रीवाही गाड़ी व ट्रक के आमने सामने के टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोग सहित गाड़ी चालक की मृत्यु हुई। यह घटना सोमवार देर रात बैश्वनगर थाना के 18 माइल इलाके के 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के सामने घटी। सूचना मिलते ही वैश्वनगर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचे और उन 5 लोगों को कालिया चौक इस्लामपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने उन सबको मृत घोषित कर दिया। मृतकों का नाम मुरली प्रसाद, कौशल्या प्रसाद, मुन्ना प्रसाद, पप्पू प्रसाद और गाड़ी चालक संजय मंडल है। मुरली पेशे से एक व्यावसायिक थे। पूरे परिवार के साथ शादी के लिए कलकत्ता जा रहे थे। कलकत्ता जाते समय ही रास्ते में यह घटना घटी। घातक चालक घटनास्थल से फरार है। पुलिस दोनों गाड़ी को जब्त कर लिया है। वहीं घातक गाड़ी चालक की तलाशी की जा रही है। गैंगटोक में 2 दिवसीय भूटान फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया था।
यह उत्सव का आयोजन भूटान मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन के पहल पर व सिक्किम सांस्कृतिक विभाग की सहायता से किया गया था। यह उत्सव रविवार को शुरू हुआ और सोमवार को विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम में इस उत्सव का समापन किया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिस इज योर चांस टू किक स्टार्ट योर करियर इन जर्नलिज्म विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। यू कैन जॉइन द रेस टू बी द बेस्ट सिटीजन जर्नलिस्ट इन नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम। शूट योर लोकल न्यूज एंड व्यूज यूजिंग अ स्मार्टफोन और अ कैमरा एंड सेंड इट टू अस अलॉन्ग विद द स्क्रिप्ट एट sklivecitizen@gmail.com or WhatsApp us at 7432944774. Monthly, 3 winners will get a free photography, videography or video editing course at SIDVAPS. Please note, do not use this platform for any discriminatory or prejudicial behavior to incite harsh political feelings. Break ke baad nazar dalte hain baaki ke kuch mukhya khabron pe. माल ब्लॉक के क्रांतिफाड़ी थाना के अंतर्गत इलाके में बच्चा चोरी के कारण आरोप में क्रांतिफाड़ी पुलिस ने 5 युवा को गिरफ्तार किया। वहीं इस घटना से गुस्सैल इलाका वासियों ने क्रांतिकारी फांड थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि आरोपी 5 युवा को उन लोगों को सौंप दिया जाए। गुस्साए लोग ने कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। जलपाईगुड़ी जिला के राजगंज ब्लॉक के बेलाकोबा बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज के छात्रों ने एक अजीबोगरीब मांग को पूरा करने के लिए सड़क का घेराव विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल छात्रों की मांग है कि उनको परीक्षा में नकल करने की छूट दी जाए, जिसकी अनुमति कॉलेज के तरफ से नहीं दी गई, इसलिए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों ने हंसी मजाक के बीच एक दोस्त ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल युवक का नाम दिलीप अली बताया गया है। वर्तमान समय में वह मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती है। यह घटना मालदा के चाचल थाना रानी कमता इलाके के जय बंगला पाड़ा में घटी है। मिली जानकारी के अनुसार दिलीप अली व मजनू अली एक ही इलाके के दो दोस्त थे। सोमवार रात को दिलीप टोटो चलाकर वापस घर आ रहा था, तभी दोनों दोस्त घर के पास एक मैदान में बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत चलने के दौरान दोनों में हंसी मजाक भी चल रहा था। इसी दौरान मजनू गुस्सा गया और दिलीप पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दिलीप के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद से मजनू फरार है। दिलीप के परिवार वाले ने थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मजनू अली की तलाश कर रही है। बाकी खबरों के लिए देखते रहे SK Live, आपका समय आपकी खबर। नमस्कार।